अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, टुडे इज सैटरडे और आज हम बनाने जा रहे हैं माय चाइल्डहुड फेवरेट। और हर सैटरडे इफ यू आर अ बिहारी एंड आई डोंट नो इफ एनी अदर स्टेट, सैटरडे के मतलब खिचड़ी। डिफरेंट हाउसेज में डिफरेंट तरह से बनते थे लंच, किसी कोई लंच में, कोई ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में, लेकिन खिचड़ी का होना ज़रूरी होता था। सैटरडे मिंट खिचड़ी। और फिर दैट आई रिमेम्बर कि वहाँ जब हमारे बचपन में हर चीज़ का एक टाइम होता था, हर चीज़ का एक वक्त होता था। रोज़ रोज़ हर चीज़ नहीं बनती थी, जैसे आजकल हम एवरीडे पिज़्ज़ा खा सकते हैं, एवरीडे केक खा सकते हैं। तो जब सवई का मतलब ईद, पुआ का मतलब होली, गुजिया दिवाली या तीज में, और कबाब बकरीद में, और अगर चेरी केक, वो फ्रूट केक खाना है, दैट मीन क्रिसमस। एंड अगर गलती से किसी ने किसी और दिन बना लिया तो यही जवाब सुनते थे ना, पुआ बना लिया आज, होली वाला मज़ा नहीं। किसी दिन सवई बना लिया, सवई वाला नहीं। तो हर फूड से हर चीज़ का एसोसिएशन होता था। इट वुड टेक यू टू दैट पॉइंट और दैट टाइम जब वो चीज़ बनती थी। इवन शादियों में आपको पता था मंडप के दिन ये खाना होगा, मड़वा या इसके दिन ये खाना मिलेगा, यू वुड नो शादी के दिन क्या। एवरी घर में शादी के दिन का एक रेसिपी होता था, चाहे वे हम मुस्लिम्स में हो, हम हिंदूज क्या चले जाए, पता था पूड़ी सब्जी ये वो क्या क्या मिलेगा। बट जैसे आज के ज़माने में एवरी थिंग इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, चाइनीज़ भी हो गया, पूड़ी भी हो गया, फ्राइड राइस भी हो गया। तो दीज आर द चेंजेस। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड और गुड अबाउट द ज़माना, बट इस तरह से ज़माना बदला। नए कपड़े का मतलब त्यौहार होता था, अब तो एवरी डे नया कपड़ा बनता है। और त्यौहार के दिन अगर पूछो कि क्या, व्हाट आर यू वेयरिंग फॉर ईद, ओ आई हैड समथिंग, आई बॉट इट लास्ट मंथ। और या होली के दिन क्या पहन रहे हो, तो अरे हमने 2 महीने पहले गई थी ना वो दिल्ली, वहाँ से ले आई। तो इम्पॉर्टेंस चीज़ों की हम कह रहे हैं किस तरह से ख़त्म होती जा रही है, नज़र आ रही है, नथिंग गुड और बैड अबाउट इट। बट उस कपड़ों से, ईद के कपड़ों से, शॉपिंग से, आप जब उस कपड़े को रखते थे तो उसमें ख़ास खुशबू आती थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ यू गाइट एसोसिएट विद दिस और फील इट रिलेट टू इट, प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन। सो अभी खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। सो इसके लिए हमने यहाँ पर, इट्स अ वेरी हेल्दी एंड वेरी सिंपल रेसिपी, इस 1 कप दाल या 1 कप से कम दाल में हम 1 कप से कम चावल डाल रहे हैं एंड दैट इज़ खिचड़ी। तो इसको हम धो के 10 मिनट तक पानी में भिंगो के रखते हैं। अब देखिए हम इसको बनाने जा रहे हैं, वेरी सिंपल, वेरी ईजी, कोई रेसिपी इसमें नहीं है। बस यूं करके दाल चावल को पानी में डाल दिया, और इस बेचारी खिचड़ी में जाएगा 2-3 तेज पत्ते, थोड़ी लाल मिर्च सूखी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, हल्दी। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट घरों में डिफरेंट स्टाइल से बनती है, डिफरेंट किस्म की दाल से बनती है। कोई चने की, हमने मसूर की दाल ली है, और इसमें हल्दी चला गया, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, थोड़ी लहसुन की जवे, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं कितना देना है नहीं देना है, वो बन के अच्छी हो जाती है। और थोड़ा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट या स्वाद अनुसार, हस्बिज़ा। लेकिन ये खिचड़ी बनाना बहुत इजी है, लेकिन ये जितनी मासूम सी लगती है नहीं मासूम, इनके बड़े नखरे हैं। तो एक एक करके वन बाय वन इनके नखरे की तरफ हम आते हैं, ये ऐसी सादी नहीं खाई जाएंगी। हम आ जाते हैं खिचड़ी के फर्स्ट नखरे की तरफ, और इनका पहला नखरा है लहसुन और मिर्च का कूचा। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, जब ये फुली रोस्टेड हो जाएगा तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसमें नमक जाएगा, कच्चा सरसों का तेल,
अगर आपको साइनस है तो वो पूरा खुल जाएगी ऊपर से नीचे तक। ये नखरे नंबर 1 अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की एंड हरी मिर्चों की। आई विश यू आई कुड यू कुड स्मेल इट। प्लीज ट्राई करिएगा इस तरह से। इसको बंद करते हैं और लेट इट कूल। अब आ जाते हैं अपने नखरे नंबर 2। ये मैश पोटैटो है, इसका बनेगा आलू का भुर्ता, आलू का चोखा, वट एवर यू कॉल इट। और इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आलू मैश करके रख दिया है, इसमें जाएगा थोड़ा थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा पॉप करने लगे तो उसमें मिलाएंगे प्याज। हमारी प्याज तली भी ठीक हो गई है। ये प्याज लाल हो चुकी है और हमने निकाल लिया है और इसको हम क्रश करके इस आलू के चोखा या भरते में डालेंगे और इसमें से हम थोड़ी सी तली हुई प्याज इसमें डालेंगे और अपना नखरा नंबर 3 का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। नखरा नंबर 3 का नाम है देसी शुद्ध घी, जिसके बिना खिचड़ी बेचारी बिल्कुल अधूरी। थोड़ा गरम घी कड़कड़ा लेते हैं, दानेदार घी। खिचड़ी और घी का तो सबसे बड़ा मेल है। लोग और भी तरह तरह की चीजों के साथ खाते हैं। सम पीपल लाइक टू ईट इट विद दही कबाब, बट घी एंड खिचड़ी का मेल जो है बरसों का है। कुछ ना भी हो तो खिचड़ी, घी खिचड़ी तो जरूरी है। नखरा 3 बड़ा सिंपल था, बस इसको हम इसमें मिला देंगे। और 1 by 1 हम अपने डाइनिंग टेबल पर ले करते जा रहे हैं, जो जो इनके खिचड़ी के फ्रेंड्स कह लीजिए, नखरे कह लीजिए। ये पहला आइटम टेबल पर चला गया, आप देखिएगा बिल्कुल टेबल पर जगह नहीं रहेगी। सो इसको क्रश कर लिया प्याज को और इसके साथ जो लाल मिर्च हमने किया था। आप और भी किसी तरह से बनाते हो, बट प्लीज ट्राई दिस स्टाइल, यू लव इट। इसके लिए टाइम भी आपके पास होना चाहिए। Salt I will taste later on। और इसको मैश कीजिए। और इसमें जो हमने प्याज फ्राई किया था जिस ऑयल में, वो बची हुई थोड़ी, नॉट ऑल ऑफ देम, बट थोड़ा सा इसको इसमें डालेंगे। इसमें भुर्ते में शाइन आ जाती है। इसमें कुछ लोग चाट मसाला डालते हैं, कुछ लोग लेमन डाल देते हैं, कुछ इट्स अप टू यू, अप टू योर टेस्ट, बट वी लाइक इट दिस वे। आई एम गोइंग टू ट्राई द सॉल्ट। परफेक्ट। कि हमारा भरता कितना चिकना, कितना प्यारा, टेस्ट भी उतना ही प्यारा है। पता है सैटरडेज को कभी कभी खिचड़ी की पार्टी भी होती थी हमारे यहाँ। आज दावत है खिचड़ी की।
ये ठंडा हो चुका है, इसको हम पीसने जा रहे हैं। ये मिर्च का कूचा, हरी मिर्च का कूचा, इसको आप सूखी लाल मिर्च को भी इस तरह से बना सकते हैं, बट दिस इज हेल्दियर। हरी मिर्च का कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, बट इन प्रोपोर्शन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। थोड़ा नमक, ये प्योर सरसों का तेल अभी मैं कोल्हू से पीस के ला रही हूँ। सरसों तेल चला गया। ये सबका हेल्थ इंपॉर्टेंस भी जरूर होगा, क्यों कौन सा कच्चा सरसों तेल खा सकता है विदाउट ऑल दिस। टेबल पर ये जा रहा है हमारे साथ। ये धनिया की चटनी जो हमने पीस के रखी हुई थी पहले से, ये लहसुन मिर्च का कूचा, आम के अचार के बिना खिचड़ी का ये फेवरेट जोड़ी है, आम का अचार। अब हम आ जाते हैं अपने नखरे नंबर, ऑनेस्टली आई फॉरगॉट कौन सा नखरा है, बट चलो उठाते हैं। ये हम लोगों ने टमाटो रोस्ट कर लिया, इसको चाहिए अवन में रोस्ट कर लीजिए, तवे पर रोस्ट कर लीजिए, या कोयला तो होता नहीं मिट्टी का, आप किसी तरह से भी रोस्ट कर लीजिए। ये रोस्टेड टमेटोज है, इसको पील कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट सोंधापन, पता नहीं जो बर्न पोर्शन उसको निकाल दीजिएगा, बट स्टिल यू हैव दैट फ्लेवर। आप जिस तरह से भी खिचड़ी बनाते हो और जिस चीज के साथ भी खाते हो, प्लीज ये वाली रेसिपी मेरी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अभी खिचड़ी बनाते बनाते मुझे याद आया कि सैटरडे के अलावा एक और दिन खिचड़ी बनाया करते थे हम लोग, वो हमारे बचपन का, जब हम पिकनिक पे जाया करते थे। आवर चाइल्डहुड वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्डहुड। हम लोगों ने इतनी मौज मस्तियाँ की हैं, और जब हम पिकनिक पे जाते थे ये खिचड़ी हम ज़रूर बनाते थे। और किसी पार्क में हम जाते थे, अपने हमारे घर के पड़ोस दो घर और होते थे, और सारे बच्चे, हम पांच भाई बहन, तीन इधर तीन उधर, सब बच्चे मिल करके विथ मिनिमम सुपरविजन, यू कांट इमेजिन, जस्ट वन ऑर्डरली एंड वी किड्स वुड गो, और ये खिचड़ी बनाते थे। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, उजड़ा जमाना बचपन का। आई एम जस्ट सिंगिंग माई इमोशन, आई डोंट नो हाउ टू सिंग। वो खेल वो सखिया वो झूले, वो दौड़ के कहना आ झूले हम, आज तलक भी ना भूले वो ख्वाब पुराना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। ये दो दिन का मेहमान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये याद भुलाना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ दिस खिचड़ी पार्टी वुड बी आवर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट गुडी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और अशोक चंदा जो अब नहीं रहे हमारे बीच, बट
if you are watching me from the heaven, I am telling you, there is not a single day of my life since गुडी को अब 40 years हो गया होगा, अशोक को 25-30 तो जरूर हो गया होगा, एंड चंदा भी लेफ्ट मेस, वी लॉस्ट हर लास्ट ईयर. देर नॉट अ सिंगल डे वी डोंट मिस यू एंड वी डोंट प्रे फॉर यू एंड लव यू. दिस वॉज द थ्री फैमिली आई वुड लाइक टू डिस्कस. वी वर ऑल टूगेदर. अभी भी चिका के बेटे की शादी होती है, बोनू की बेटी की शादी होती है, या चंदा की बेटी की शादी होती है, वो दिल्ली में होती रहती है, मैं यहाँ इमोशनल कनाडा में बैठ के होती हूँ. काश. एंड दे वर नो लेस लाइक आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और तीनों घर में के जो हेड थे वो एक घर के अम्मा पापा, मम्मी डैडी एंड अब्बा अम्मी. किसी बच्चों में कोई फर्क नहीं होता था. वो हमारा हिंदुस्तान था. आई विश वी गेट दैट हिंदुस्तान वंस अगेन एंड आवर किड्स कुड लिव विद फुल फ्रीडम in like we had our life and bachpan. I need a short break. Sorry everyone. और बचपन के दोस्त में एक हमारी, उसके बाद जब मम्मी डैडी अम्मा पापा दिल्ली चले गए, आई वुड लाइक टू मैंशन रश्मि एंड राजेश्री. रश्मि ऑल्सो वी लेफ्ट, वी शी लेफ्ट अस वेरी अर्ली. और फिर राजेश्री के साथ खेलना कूदना, आज भी उन लोग सब बच्चों के साथ, अब तो हम सब बूढ़े हो गए, बच्चे बोल रहे हैं, हम सबका भले हम रोज़ नहीं मिलते हैं, सालों नहीं मिलते हैं, बरसों नहीं मिलते हैं, सदियां गुजर जाती, सदियां नहीं, आई एम सॉरी, वी नॉट इवन 100, क्या होता है, डेकेज गुजर जाती हैं, लेकिन कनेक्शन हमारा अभी तक बना हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा. कोई दिन ऐसा नहीं है जिसको हम बेबी चंद, बेबी बुनू, चिका, कोई रश्मि, राजश्री को याद नहीं करते हैं, उनके लिए दुआएं नहीं करते हैं. देयर इज नॉट अ सिंगल डे. वी लव यू गाइस एंड आई नो द सेम फ्रॉम यू गाइस, नॉट टू मेंशन एट ऑल. सो वही कहते हैं, किसी किसी फूड से आपको एसोसिएशन जब हो जाता है तो कहाँ से कहाँ ले जाता है. आज भी अगर वो गाना याद होता है, क्या गाना, वो कागज़ की किश्ती, वो बारिश का पानी, आ हा हा, क्या गाना है. मुझे अपना बचपन, मुझे बेबी, बुनू, चिका, आई वी लव यू ऑल, वी प्रे फॉर यू एवरी डे. जब मौका होता है हम लोग बात भी कर लेते हैं एक दूसरे से. रोस्टेड टमेटोज में प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया की पत्ती है, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड अगेन सरसों का तेल एक चम्मच. By the time I was doing all the other नखरे पूरे कर रहे थे, खिचड़ी मेरी तैयार हो गई भोली भाली सी, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे. इसके पहले एक और आइटम है जो बहुत ज़रूरी आइटम है खिचड़ी के साथ का. अभी तक जो जो आइटम हमने बनाए सभी बहुत ज़रूरी है खिचड़ी के लिए. सो ये है पापड़, इनको हम फ्राई कर लेते हैं. पापड़ के बिना तो खिचड़ी का कोई स्वाद ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है. इसको इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द तवा, और उस पर भी आप सेक सकते हैं, लेकिन भाई खिचड़ी बनी है आज. अब इसको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ कैसे खाए. अच्छा, ये नखरे वाली खिचड़ी के एक और बड़े नखरे हैं ना, लोगों के भी नखरे हैं इसकी कंसिस्टेंसी को लेके. कुछ लोग बहुत मोटी खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पतली लाइक करते हैं, जैसे इस तरह की. इसको चाहे तो आप और गाढ़ा भी कर सकते हैं. ये
आगे खिचड़ी ये जितनी खिचड़ी सिंपल चीज़ है उसके नखरे इतने ज़बरदस्त हैं कि ये बनाना सब चीज़ के साथ ये कोई बिरयानी से कम नहीं है और इसका मज़ा भी अगर वो सैटरडे के दिन है तो किसी बिरयानी से कम इसका मज़ा नहीं है इसका टे आ हा 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 चोखा हो गया पापड़ ये थैंक यू फॉर वॉचिंग माई खिचड़ी नंबर वन प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल थैंक यू